मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते दे हैं जो की ऊंची सी बिल्डिंग पे खड़ा है और इस लड़के को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अभी ये फेंट होकर नीचे गिर जाएगा और यही से सीन कट हो जाता है तो आइए अब हम चलते हैं मूवी के दूसरे सीन की तरफ उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को इंसोमिया के बारे में लेक्चर दे रही थी वो स्टूडेंट्स को अवगत करा रही थी की कि अगर किसी को इंसोमिया बीमारी हो जाती है तो कैसे उसे नींद नहीं आती है प्रॉपरली नींद न आने के कारण और भी बहुत सारी बीमारियाँ बॉडी में पनपने लगती है प्रोफेसर ये भी कहती है की कुछ समय पहले उन्हें भी इस बीमारी ऐसी पड़ा लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है और इस बात पर कुछ और स्टूडेंट्स भी अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें भी आजकल नींद नहीं आ रही इसका मतलब तो ये साफ था कि वो भी इंसोमिया बीमारी से पीड़ित है और तभी वहीं पर क्लास में एक जिन नाम की लड़की मौजूद होती है जो की प्रोफेसर को बताती है की उसे तो कभी कभी तीन दिन तक नींद नहीं आती जेन जिसके मॉम डैड अभी इस दुनिया में नहीं है वो अपनी नानी और छोटी बहन के साथ रहती है जेन बहुत ज्यादा लेट नाइट तक पड़ती रहती थी और कहीं न कहीं उस पर घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उसे एक टाइप की और प्रॉब्लम थी वो बार बार डोर के लॉक को चेक करती रहती थी कि डोर ठीक से बंद है या नहीं जेन अपना घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट भी चलाती है जिसकी वजह से वो सुबह चार बजे ही उठ जाती थी और उठकर रेस्टोरेंट के लिए खाना प्रिपेयर करने लगती थी एक बार जेन की सिस्टर पूरी रात घर नहीं आती है इस पर जेन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है जेन अपनी सिस्टर को बहुत ज्यादा डाटती है की वो पूरी रात भर कहाँ थी लेकिन जेन की सिस्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट थी वो उसे कोई आंसर नहीं करती और बिना आंसर के ही वहाँ ऐसी चली जाती है और तभी वहाँ पर जेन के पास एक लेटर आ जाता है इस लेटर में ये मेंशन था कि अगर जेन ने जल्द से जल्द लोन टाइमली पे नहीं किया तो उसे इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बैंक का ये लेटर पढ़ पढ़कर जेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे इसलिए जेन अब फैसला करती है कि वो स्टडी आगे कैरी ऑन नहीं करेगी और वो जॉब करके सबसे पहले अपना लोन चुकाएगी इस पर वो अपनी प्रोफेसर से बात करती है लेकिन चूंकि जेन पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी होती है इसलिए उसकी प्रोफेसर इस बात से बिल्कुल इनकार करती है जेन की प्रोफेसर जेन से कहती है कि तुम पढ़ाई को बिल्कुल क्विट ना करो प्रोफेसर जेन से कहती है कि तुम चाहो तो लैब में वर्क कर सकती हो लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि तुम इतने पैसों से अपना लोन तो बिल्कुल नहीं चुका पाओगी इतना सारा लोन चुकाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की नीड है इसलिए वो उसे एक जर्मन कंपनी का कार्ड देती हूँ प्रोफेसर जेन को बताती है की जो लोग इंसोमिया बीमारी ऐसी पीड़ित है यानी की जिसे नींद नहीं आती ये जर्मन कंपनी उन सारे लोगो आरोप रिसर्च करती है वो उसे कार्ड देकर एडवाइस देती है की तुम यहाँ चली जाओ मे भी तुम्हारे यहाँ आरोप कुछ हेल्प हो सके जेन बिना दे के वे उसी लैब में पहुँच जाती है जहाँ पर सबसे पहले जेन को एक वीडियो दिखाई जाती है वीडियो में ये बताया जा रहा था कि हमारा माइंड कुछ हार्मोन्स के जरिए चलता है और उसी के जरिए कोमा में गए मरीजों का इलाज भी होता है यानी कि जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं उन्हें वापस से ठीक करने के लिए एक प्रकार का हार्मोन डेवलप किया जा रहा था और ये हार्मोन बॉडी में तब भी डेवलप हो सकता है जब इंसान परमानेंट जागता रहे इस रिसर्च प्रोग्राम का नाम था डी वीडियो दिखाने के बाद वहाँ पर लोग मौजूद जेन को बताते हैं कि आप इसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हैं। जैसे ही वीडियो खत्म होता है वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाते हैं फिर वो वन बाय वन करके जेन के सारे सवालों का जवाब देते हैं डॉक्टर जेन को ये भी बताते हैं की इस रिसर्च में तीन लेवल है वो ये भी कहते हैं की हर एक लेवल तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ क्रॉस करना होगा अगर तुम इस रिसर्च का हिस्सा बनना चाहती हो तो हमारे साथ जुड़ी रहो तब जेन डॉक्टर ऐसी ये सवाल करती है की बदले में मुझे क्या मिलेगा डॉक्टर जेन ऐसी कहते हैं की एक लेवल क्रॉस करने आरोप तुम्हें एक रूपए दिए जाएंगे और इसलिए जेन बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाती है और तुरंत ही डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देती है क्योंकि जेन के लिए इस वक्त पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था डॉक्टर अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं वो जेन के नेक के पीछे चिप लगा देते हैं वो कहते हैं जब तक तुम जागती रहोगी ये चिप बढ़ती रहेगी और अगर तुमने इस चिप को जाकर पूरा भर दिया इसका मतलब तुम्हारा लेवल मत कम्प्लीट हो जाएगा ऐसे कहते ही वो जेन के हाथ पे घड़ी भी बांध देते हैं वो ये कहते हैं की ये घड़ी तुम्हारे हार्मोन का लेवल बताएगी की चिप में कितना हार्मोन इकट्ठा हो चुका है जब तक हंड्रेड परसेंट ना हो जाए तुम्हें इस पॉच को नहीं उतार है डॉक्टर जेन से कहता है कि ये हमारा बहुत ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट है तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को नहीं बताओगी डॉक्टर जेन से ये भी कहते हैं कि अगर गलती से तुम सो गई तो तुम्हारे वॉच में एक अलार्म सेट है और तुरंत ही वो अलार्म बजने लगेगा अगर सिक्सटी सेकंड के अंदर तुम नहीं उठी तो तुम्हारा हार्ट भी फेल हो सकता है तुम्हारी जान जा सकती है ये सुनकर जेन गुस्से में डॉक्टर से कहती है कि ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं डॉक्टर उसे सिंपैथी देता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि जे चे तुम्हारे सोने से पहले ही भर जाएगी फर्स्ट डे तो जेन को इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि उसे नींद ही नहीं आती वो रात भर पढ़ाई करने में लगे रहती है उसके बाद वो अपनी नानी को रूम में देखने जाती है जहाँ पर वो बेड से नीचे लेटी हुई थी ये देख जेन अपनी नानी के साथ थोड़ी सी मस्ती करती है फिर नानी को एक स्वीट ऐसी मसाज देने लगती है और तभी जेन की सिस्टर लेट नाइट घर वापस आती है ये देख एक बार जेन को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो और गुस्से में हाथ से वो उसका फोन ले लेती है जिससे फोन नीचे गिर कर टूट जाता है इस पर उसकी छोटी सिस्टर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और जेन के रूम से तुरंत बाहर से चली जाती है नेक्स्ट डे जेन अपनी स्कूल के कैंटीन में होती है और वहाँ खाना खा रही होती है तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और वो हाथ में घड़ी देख कर कहता है की तुम भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो ये देख जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपना हाथ छुपा लेती है लड़का जीन ऐसी कहता है की मेरा नाम विन है मैं भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ इसलिए तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है विन लेट नाइट तक पार्टी अटेंड करता रहता है और उसी में मशकूल रहता है जिसकी वजह ऐसी भी इन बीमारी हो गयी और अब ये भी नहीं सो पाता विन सामने खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करता है और जिन को बताता है कि इसका नाम जिन है ये लड़की भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिन अपनी खूबसूरती से बहुत ज्यादा खुश रहती थी और यही वजह है कि उसे नींद नहीं आती थी जिन इन सब बारे में हर वक्त सोचा करती थी इसीलिए अब उसे भी नींद नहीं आती यानी कि उसे भी इंसोमिया बीमारी है जिन अपने एक और फ्रेंड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि अब डी प्रोजेक्ट का हिस्सा था और वो एक गेमर है रात भर वो गेम खेलता रहता है जो की अब इंसोमिया बीमारी ऐसी ग्रसित है अब ये चारों एक साथ बैठ कर बातें करते हैं और तभी जिन का फ्रेंड कहता है की अगर हम सो गए तो हमारी मौत भी हो सकती है इस पर जीन कहती है की अरे हम तो इंसोमिया से पीड़ित है तो नींद तो हमारी ही नहीं आ सकती अब तो इन चारों लोगों की फ्रेंडशिप हो गई थी जिससे ये एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लेते हैं इन सबको पैसों का इतना ज्यादा लालच हो चुका था कि ये तीन दिनों के अंदर अपना लेवल वन कम्पलीट कर लेते हैं और फिर सब डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं जहाँ इन्हें मिलते ही एक लाख रूपए इन सब ने इतने सारे पैसे एक साथ पहली बार देखे थे और इतने सारे पैसों को पाकर ये सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था की जिनका फ्रेंड तो बहुत सारे गेमर प्रोग्राम खरीद लेता है और वो यूट्यूबर लड़की जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी वो अपना बहुत महंगा सा फेशियल भी करवाती है विनित बहुत महंगी सी घड़ी खरीदता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था और तो और वो एक बाइक भी लेना चाहता था ने अपने लोन का कुछ हिस्सा भर दिया था और तभी वो वहाँ पर एक बहुत महंगा सा फोन देखती है उसे याद आता है की उसकी बहन का फोन टूट गया है और अब तो वो उसे लेना चाहती है अब ये चारों फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं और एक दूसरे ऐसी अपनी बातें शेयर करने लगते हैं और तभी जिन अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए कहती है की मुझे ऐसा लगता है की हम चारों का कोई पीछा कर रहा है तबिन हंसता है और कहता है की तुम्हें नींद आने के कारण तो पागल हो गई हो वो कहता है हम भी तो जगह पर हमें ऐसे सपने नहीं आते जिन कहती है कि अगर हमें लेवल टू के लिए बुलाया गया क्या तुम सब इस पार्ट का हिस्सा फिर से बनोगे तब ये चारों में हाँ मिलाते हैं और विन कहता है क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि इतने सारे पैसे हमें फिर से मिले ना इसलिए हम जरूर जाएंगे इन सब में फ्रेंडशिप काफी गहरी होने लगती है और विन को जेन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था जेन अपनी सिस्टर को एक फोन गिफ्ट करती है उसकी सिस्टर फोन देख काफी शौक रह जाती है वो जेन से पूछती है की तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए इस पर जेन कहती है की तुम्हें फोन मिला तुम अपने काम ऐसी काम रखो उधर हम विन को देखते है जिसने अपने घर में बहुत अजीबो गरीब चीज ला रखी थी विन की मोन की मौत कुछ ही समय पहले हुई थी जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था और वो अपने फादर से तो बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं करता था एक बार फिर से ये सब एक साथ डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं है और वहाँ उनसे लेवल टू के बारे में पूछते हैं डॉक्टर उन्हें बताता है की लेवल टू तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है यानी की तुम्हें पाँच दिन चौबीस और घंटे लगातार जागते रहना होगा पाँच दिन का नाम सुनकर ये सब हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं की क्या ये हम कर पाएंगे फिर वो उसे प्राइस बने के बारे में पूछते हैं तब डॉक्टर उन्हें बताता है की तुम्हें पाँच दिन का पाँच लाख रूपये मिलेगा यानी कि अगर इन लोगों ने लेवल टू कंप्लीट कर लिया तो इन्हें पाँच लाख रुपए मिलने वाले थे पैसों का नाम सुनते ही ये सब खुशी से पागल हो जाते हैं और मिशन के लिए हाँ कर देते हैं इतने सारे पैसों का नाम सुनते ही वो सब सपनों में खो जाते हैं जहाँ पर जेन को देखते हैं वो सपनों में सोचती है कि उसने अपना पूरा लोन चुका लिया है विन देखता है कि उसने अपनी फेवरेट बाइक ली और विन का फ्रेंड तो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ होता है वो सोचता है कि उसने तो जिनसे शादी भी कर ली है जिन सपने में देखती है की उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और अब तो वो पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत लगने लगी है अब लेवल टू की शुरुआत हो चुकी थी जहाँ पर ना सोने की वजह से इन सब की बहुत ज्यादा हालत खराब थी अचानक से विन की फ्रेंड को नींद आ जाती है फिर अलार्म के कारण वो उठ जाता है विन के हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा कम था वो तो झूल रहा था जिनकी भी हालत खराब हो रही थी और अब हमें जेन को दिखाया जाता है उसके पास उसकी बहन बैठकर गिटार बजा रही होती है जिस पर जेन बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसे वहाँ ऐसी जाने के लिए कहती है इस पर उसकी बहन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है की जब से तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है तुम तो बदल सी गई हो इस पर जिन गुस्सा हो जाती है और वहाँ ऐसी उठकर चली जाती है लेकिन ये सब नींद न आने के कारण हो रहा था क्योंकि ये सभी मेडिकल स्टूडेंट थे तो ये लैब में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे थे तभी जेन एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही होती है और उसे अचानक से महसूस होता है कि बॉडी जिंदा है जब वो बॉडी से कपड़ा हटाकर देखती है तो उसे अपनी नानी का चेहरा दिखाई देता है पर वो जोर से चीख मारती है उसे हेलोसिनेशन से फील हो रहा था तब चारों एक बार फिर से इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वो क्या करे उन्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है लेकिन जब ये सब विन के हार्मोन लेवल को देखते हैं तो उसका हार्मोन लेवल सबसे ज्यादा था ये सब देखकर वो सब चौक जाते हैं जेन के पूछने पर विन बताता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और बास्केटबॉल खेलता रहता है जेन कहती है इसका मतलब हमें अपने हार्मोन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें एक्टिव रहना होगा यानी कि बहुत सारे गेम्स खेलने होंगे और अब ये सब तैयार थे बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना था तभी विन उन्हें ड्रग से इंट्रोड्यूस करवाता है वो कहता है एक ऐसा ड्रग है जो कि हमें नींद से जगाए रखता है जेन इस ड्रग को देखकर कहती है ये तो आम मार्केट में नहीं मिल सकता ये तुम्हें तो कहाँ से मिला है और ये है क्या तबिन बताता है की मैंने इसे लैब ऐसी चुराया है जीन कहती है की अगर तुम तो पकड़ेगे तो पुलिस तुम्हें तो उठा ले जाएगी तबिन कहता है हैं की तुम बिल्कुल भी मत डरो ऐसा कुछ भी नहीं होगा तबिन ड्रग को एक जूस में मिलाता है और पी जाता है और वो सबसे कहते हैं की देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ और बारी बारी करके सभी जूस में ड्रग को मिलाते हैं और पी जाते हैं फिर सबको अजीब सा नशा चढ़ जाता है सब डांस करने लगते हैं और तभी जीन एक जगह पे बैठी होती है और फिर वो अचानक से जॉम्बी की तरह बी करने लगती है और आगे आकर बहुत सारा नाचने लगती है ये सब हो रहा था इस ड्रग के कारण जब जिन विन के दोस्त के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे अपनी आवाजें सुनाई दे रही थी ये देख वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्यूँकी चारों तरफ टीवी स्क्रीन पर उसी की वीडियो चल रही होती है वो ये सब देख बहुत ज्यादा डर जाती है क्यूँकी उसे बहुत दिनों ऐसी ऐसा लग रहा था की कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि विन का दोस्त था जो की एक पागल आशिक था जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है उसे लगता है की ये कोई साइको लवर है इसलिए वो अचानक ऐसी जमीन आरोप गिर जाती है और बेहोश हो जाती है ये देख सभी लोग वहाँ अचानक ऐसी आ जाते हैं और जिनको जगाने लगते हैं जिनको सांसाना बंद हो जाती है और तभी जेन ऐसी सीपीआर देती है विन का फ्रेंड ये देख बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं जिनको बता सकूँ की मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ये सब चल ही रहता है की तभी ये सब अपनी वॉच में देखते हैं की उनके हार्मोन का लेवल हंड्रेड हो गया है लेवल हंड्रेड परसेंट देखते ही ये सब डॉक्टर के पास भागते हैं और उन्हें बताते हैं की हमने दूसरा लेवल क्रॉस कर लिया है इसलिए हमें हमारे पैसे दो डॉक्टर ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है दूसरे लेवल को तो कोई नहीं क्रॉस कर पाया यानी कि तुम लोग तीसरे लेवल के लिए भी तैयार हो तब वो सब कहते हैं कि हमें कोई और लेवल नहीं करना हमें बस हमारे पैसे दो पैसे लेकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर ऐसे सोते हैं मानो कि जन्मों से ना सोए जन्म उसे पूरी करने के बाद जेन अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर उसकी प्रोफेसर उसे बताती है कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर बहुत ज्यादा कमाए हैं तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो वो उसे समझाती है की तुम पैसों के लिए जो कुछ भी करो लेकिन तुम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ो उस पर फोकस करती रहो फिर में दिखाया जाता है की विन का दोस्त जिनके पास जाता है और जिनसे सॉरी बोलता है वो कहता है मैंने वो सब इसलिए किया क्यूँकी मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था लेकिन आई एम सॉरी मैं आगे ऐसी कुछ नहीं करूंगा उस पर जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है वो कहती है तुम मुझसे दूर वर्णा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और इधर जेन के पास बनाता है जो कि उसे कॉन्सर्ट में जाने के लिए कहता है जेन ये सुनते ही उसे तुरंत मना कर देती है क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है एक दिन जेन अपने कॉलेज पहुँचती है और वहाँ पर क्या देखती है एक लड़की की अचानक ऐसी डेथ हो जाती है और जब उसका हाथ देखती है उसके हाथ में भी वही वॉच थी यानी की वो भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी एक दिन अचानक ऐसी जेन की नानी को हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन अब जेन के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे क्यूँकी उसने पैसों ऐसी लोन चुका दिया था और अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था जब ये सब जिनकी सिस्टर देखती है वो उसके पास बहुत सारे पैसे लेकर आती है तब जेन डांट कर अपनी सिस्टर से पूछती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले तब जेन की सिस्टर उससे कहती है कि जहाँ से तुमने पैसे कमाए वहीं से मैंने भी कमाए तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं पैसे नहीं कमा सकती और जब जेन अपनी बहन के ने के पीछे देखती है तो क्या देखती है उसके अंदर भी वही चिप लगी हुई है जी कहते है उसकी बहन वहाँ से चली जाती है जेन किसी भी हाल में अपनी सिस्टर को बचाना चाहती है वो उसे ढूंढते ढूंढते लैब में पहुँचती है जहाँ पर डॉक्टर जेन से कहती है की अगर तुम और तुम्हारे दोस्त लेवल थ्री के लिए तैयार हो गए तभी मैं ये चिप तुम्हारी बहन के गले से निकालूंगा जेन बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ चुकी थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे एक तरफ तो उसकी नानी हॉस्पिटल में थी और दूसरी तरफ उसकी बहन मौत के मुंह मौ में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे जेन ये सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बताती है जहाँ पर विन लेवल थ्री के लिए तुरंत एग्री हो जाता है लेकिन जेन और विन का फ्रेंड इस बात से डिस कर देते हैं अब दूसरे दिन जेन और विन लैब जाते हैं जहाँ पर वो क्या देखते हैं की विन का दोस्त ऑलरेडी लैब में बैठा हुआ है विन का दोस्त कहते हैं मैं दोस्ती के लिए इतना तो कर सकता हूँ तब तक वहाँ पर जिन भी आ जाती है यानी अभी चारों रेडी थे लेवल थ्री के लिए ये सब तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जिन जिन की तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई जगने का रास्ता जरूर होगा कहती है हाँ मैंने अपने प्रोफेसर से हेल्प ली है यानी कि लेवल कंप्लीट होने तक ये चारों लैब में रहेंगे जब लेवल की शुरुआत हो जाती है ये सब लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी प्रोफेसर उन्हें नींद आने का इंजेक्शन देती है और वो कहती है की मेरी वजह से तुम इन सब खतरे में पड़े हो लेकिन मैं तुम्हें इन सबसे निकाल लूंगी प्रोफेसर कहती है की अगर तुम चारों को कोई भी इशू इशुआ तो यहाँ इंटरकॉम ऐसी तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मुझसे बातें कर सकते हो अब पहला दिन तो आसान भी था इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई लेकिन देखते ही देखते बिना सोए छह दिन गुजर चुके थे उनकी हालत खराब होती जा रही थी उधर विन की फ्रेंड को बहुत सारी गेम की आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी जेन अपना फेस वॉश करती है जहाँ पर वो ये देखती है कि उसके चेहरे पर एक पिंपल निकल आया है तो उस एक पिंपल से चेहरे पर कई सारे पिंपल्स हो जाते हैं वो बदसूरत हो जाती है जिन पिंपल्स को गायब करने के लिए उसमें एक कट लगा देती है लेकिन पिंपल तो गायब हो जाता है लेकिन वो कट का निशान उसके चेहरे पर रह जाता है जिन गुस्से में बाहर आती है और जेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है वो उसे झगड़ा करने लगती है जिन कहती है की मेरा दिमाग खराब हो गया था की मैंने तुम्हारी बहन के चक्कर में अपने आप को मौत के मुंह में डाला और इसमें विन का फ्रेंड भी जिनका साथ देता है जिस पर विन की इन दोनों से बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है और जेन के हाथ से मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था इस पर जेन भागती है प्रोफेसर को बुलाने के लिए जेन प्रोफेसर से बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं आती और इस पर वो एक कमरे में घुस जाती है जहाँ पर वो क्या देखती है एक बड़ी सी स्क्रीन पर इन्हें मॉनिटर किया जा रहा था इन्हें लगातार देखा जा रहा था और ये सब काम कोई और नहीं बल्कि जेन की प्रोफेसर ही कर रही थी और तो और वो डॉक्टर कोयोनी बल्कि उस प्रोफेसर का एक असिस्टेंट था जो की प्रोफेसर के साथ इस काम में शामिल था जेन वहाँ से भाग कर आती है और अपने फ्रेंड को सारी सच्चाई बताती है और अब वो सब पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगते है तभी इन सभी को उस प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई देती है जो की कहती है की यहाँ पर तुम्हारे फोन तो बिल्कुल काम नहीं करने वाले अब सात दिन से ये सब बिल्कुल नहीं सोए थे ये सभी गुस्से में आकर बहाने के कैमरास को तोड़ने लगते हैं और तभी विन अचानक से बेहोश हो जाता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है अचानक से उसकी घड़ी में हार्मोन लेवल जीरो हो जाता है यानी कि अब वो मर चुका था और तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाती है और उसकी बॉडी को ले जाने लगती है जैसे ही वो विन की गले से चिप निकालती है विन अचानक ऐसी उठता है और प्रोफेसर के सर पे एक जोर का डंडा मार देता है ऐसा इसलिए हुआ क्यूँकी इन सभी ने एक प्लान बनाया था ये सभी मेडिकल के स्टूडेंट थे और विन ने एक मेडिसिन ली थी जो की कुछ समय के लिए आपकी हार्ट बीट को रोक सकती है इंसान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मर चुका है और अब इन सभी ने प्रोफेसर को घेर लिया था और ये उससे सवाल करने लगते हैं कि आखिर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया वो उसे क्वेश्चन करने लगते हैं प्रोफेसर लैब ऐसी पर्दा हटाती है और एक बॉडी को दिखाती है सामने बेड पे लेटा इंसान वही था जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था जो की छत ऐसी कूदने वाला था दरअसल ये लड़का कॉलेज में प्रोफेसर के साथ पढ़ा करता था और एक दिन छत ऐसी कूद जाता है और इस वक्त ये कोमा में था प्रोफेसर कहती है की जब ऐसी मैंने सोमिया ऐसी पीड़ित पेशेंट की हार्मोस को देना शुरू किया तब से इसकी हालत काफी बेहतर हो गई है जिन प्रोफेसर पे जोर से चलाती है कि तुम एक इंसान को बचाने के लिए इतने सारे इंसानों को कैसे मार सकती है वो भी तब जब वो सारे तुम्हारे स्टूडेंट्स हो प्रोफेसर गुस्से में आकर कहती है हाँ मैं सबको मार दूंगी और वो धोखे से जेन को एक इंजेक्शन दे देती है इंजेक्शन लगते ही जेन फ्लोर पे गिर जाती है प्रोफेसर विन के फ्रेंड को भी इंजेक्शन देने वाली थी लेकिन ने उसे रोक लिया था विन जेन को होश में लाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसकी घड़ी का लेवल पूरी तरह ऐसी जीरो हो चुका था जेन की सिस्टर बहुत ज्यादा रोने लगती है सबको ऐसा लगता है की जेन मर चुकी है और तभी जेन की सिस्टर अचानक ऐसी उस पर जोर का मुक्का मारती है जिससे वो होश में आ जाती है और कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है की सारे स्टूडेंट्स को डीप प्रोजेक्ट से बचा लिया गया था सब सुरक्षित थे वहीं हमें दिखाया जाता है कि विन की अपने फादर से फ्रेंडशिप हो चुकी थी जेन अपनी सिस्टर के साथ अपना रेस्टोरेंट चलाती और अपनी नानी के साथ तीनों बहुत ज्यादा खुश रहते थे जेन और विन बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे उधर जिन और विन का दोस्त भी बहुत खुश थे चारों अपनी लाइफ में पूरी तरह ऐसी सेटल हो चुके थे तो आखिर ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल न भूले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो